नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करेंगे। दरअसल एक चौंका देने वाली भी अपडेट है आप सभी के लिए। खबर आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख लें कि अब होकर रहेगा शिक्षा मित्रों का समायोजन। एक मंच पर आ गए शिक्षा मित्र के सभी संगठन, जहाँ पर अगर मेन बात आप देखें कि जितेंद्र शाही ने किया MLC का स्वागत। साथियों सारी सूचनाएं आप सभी के साथ आगे वीडियो में साझा करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आप सभी अपनी स्क्रीन पर एक न्यूज देख पा रहे होंगे, जहां पर अगर आप देखें कि आज दिन में 3 बजे कुशीनगर में फैजाबाद स्नातक MLC देवेंद्र प्रताप सिंह का आगमन हुआ, जिसमें आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही जी के द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, तथा साथ में उपस्थित राजेश्वर सिंह, रमेश प्रसाद, रमेश चंद्र साहनी, मोतीलाल, राजेश कुशवाहा उपस्थित रहे, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर साथियों खुशी की बात यह है कि आपका जो संगठन है वो दोबारा से ही खड़ा हो रहा है, यानी कि इनके साथ काफी ज्यादा दुखद घटनाएं हुई थी, जिसके बावजूद भी ये दोबारा से साथियों ठीक हो रहे हैं। ये शिक्षा मित्र समाज के लिए काफी ज्यादा खुशखबरी है। फिलहाल के लिए साथियों ये सूचनाएं थी, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ प्रेषित की जाए, क्योंकि इससे आप सभी को जितेंद्र शाही जी के स्वास्थ्य के बारे में भी पता लगेगा। फिलहाल उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे अब ठीक हो रहा है। फिलहाल आशाएं हैं कि जल्द ही आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरियां भी मिलेगी। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद।